ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता, हमें तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख तो भक्त के जीवन में आता है। आप देखो बड़े बड़े भक्तों, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है, आखिरी अब ये पूरा हिसाब किताब बराबर होगा, तो फटाफट बहुत बड़ा दुख छोटे में दे दे करके निपटाया जाता है, क्योंकि कानून कानून है, कानून व्यवस्था में अगर वहां प्रश्न उत्तर हो कि आप इसको मुक्त कैसे कह दे, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। देखो ये इसने सत्कर्म किए, इस कर्मों के प्रभाव से, इस भजन के प्रभाव से इसका दुष्कर्म नष्ट हुआ, ये दुष्कर्म का फल भोगा, वो चाहे पांच जो कल्पों में भोगना है ना, 5 मिनट में भोगा के वकालत करके साफ, क्योंकि वही न्यायाधीश है, वही वकील है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा है कैंसर, ये वो, पर आप देखो उनका जीवन आनंद में होता है। हम उसी के अंश हैं जिसके आप हो, कोई अंतर नहीं। अंतर ये है कि आपने प्रभु को नहीं माना, अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो आप दुखी हो रहे हो। ये तो भारी दुख की परिस्थिति है, भारी दुख की परिस्थिति। कभी भी एकांत में भी ऐसा नहीं होता कि मैं बीमार हूं, नहीं, क्योंकि हम इसको देखते ले, जिसको देखते हैं उसी को देखते हैं। गर्दन पे रख के हम लोगों को मांस खवाने की कोशिश की तो गर्दन कटवा दी गई है, लेकिन मांस नहीं रखा गया। आज पैसा दे के खाते हैं, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? देश विदेश घूम रहे, तुम्हें पता है किसका मांस है? तुम्हें पता है तुम क्या खा रहे हो? तो हम VIP हैं, मतलब बड़े आदमी हैं। मदिरा पंच महापापों में रखी गई है, व्यभिचार पंच महापापों में रखा गया है, चोरी हिंसा ये महापापों में रखा। अब कैसे बुद्धि सुधरेगी? जब तक हम देहाभिमान से युक्त होकर के 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन को लेकर विषयों में विचरण करते रहेंगे, तब तक हमारी दुर्दशा रुकने वाली नहीं।